अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक का नेम है हाउ टू सेट ऑटोमेटेड रूल्स ऑन एड्स। हम जो है वो जिस तरीके से ये देखें ऐड कर रहे हैं, कंपेन वगैरह को रन कर रहे हैं, तो हमारी जो है वो ऑटोमेटेड रूल्स क्या कहता है। उसमें ये है कि अगर आपका बजट जो है वो आपने कंपेन रन कर रहे हैं और आपका बजट जो है वो कम हो रहा है, तो उसको जो है वो जैसे ही वो उस लेवल पे पहुंचेगा ऑटोमेटिकली जो है वो क्लोज हो जाएगा हमारी एड कंपेन। इसके अलावा अगर बजट जो है वो इंक्रीज हो रहा है तो उसको डिक्रीज किस तरह से करना है। इसके अलावा जो है वो अगर आपकी मतलब ये कंपेन है वो अच्छी नहीं जा रही, उस पर बैड बिहेवियर वगैरह आ रहा है तो वो रन करती जा रही है, उसको स्टॉप वगैरह किस तरीके से करना है, तो ये आज हम जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपने ऑल टूल्स पे आना है। ऑल टूल्स पे आने के बाद ये लिखा हुआ है ऑटोमेटेड रूल्स। ऑटोमेटेड रूल्स में देखें यहाँ पे क्रिएट रूल आपने लिखना है, ये देखें कस्टम रूल है, ऑडियंस यहाँ पे हम कर देते हैं, नेक्स्ट पे आपने सिंपल क्लिक करना है। ये देखें यहाँ पे आपने रूल नेम लिखना है और अप्लाई करना है कि ऑल एक्टिव कंपेन्स के लिए, ऑल एक्टिव एड सेट्स के लिए या एक्टिव एड्स के लिए, ऑल एक्टिव कंपेन्स के लिए कर दें। इसके अलावा एक्शन आप कौन कौन सा यहाँ पे करना चाहते हैं वो आपने ऐड करते जाना है। टर्न ऑफ कंपेन करनी है वो आपने ऐड करना है। अगर आप जो है वो सेंड नोटिफिकेशन करना चाहते हैं वो ऐड करना है। अगर आपका बजट जो है वो डेली बेस पे इंक्रीज हो रहा है तो ये देखें इंक्रीज डेली बजट बाय या डिक्रीज करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करनी है आपने। कोई भी जो है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर अगर करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं इसमें ऑटोमेटेड रूल्स में। इसके अलावा यहाँ पे आप परसेंटेज वगैरह ऐड कर दें, यहाँ पे डॉलर का साइन है, यहाँ कोई परसेंटेज वगैरह, मिनिमम डेली बजट आप जो है वो फ्लर और यहाँ पे कर दें। इसके अलावा जो है वो कंडीशंस है और कॉस्ट पर रिजल्ट्स वगैरह ये आप यहाँ पे चेक वगैरह कर सकते हैं, ये लगाना चाहते हैं लेस देन ग्रेटर देन। इस तरीके से जो है वो ऑटोमेटिक रूल्स को फॉलो आप कर सकते हैं। रेंज आप सिलेक्ट कर लें मैक्सिमम है या कंटिन्यूसली आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ये नोटिफिकेशन ऑन फेसबुक पे आए या ईमेल वो रिमूव वगैरह कर सकते हैं, यहाँ से आप क्रिएट वगैरह कर सकते हैं। इस तरीके से आप जो है वो क्रिएट रूल वगैरह कर सकते हैं। इससे डिफरेंट ऑप्शन है, ये देखें रिड्यूस जो है वो ऑप्शन ओवरलैप है, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, रिड्यूस जो है वो ऑडियंस फ्रेगमेंटेशन है, ये भी आप जो है वो देख सकते हैं। यहाँ से कंटिन्यू करें, ये देखें आप रिड्यूस ऑडियंस फ्रेगमेंटेशन जो है वो एक्टिव हो गई है, इनेबल्ड हो गई है, अप्लाई हो गई है एक्टिव एड सेट्स में। इस तरीके से आप जो है वो उसको रिमूव वगैरह कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपकी पोस्ट पे जो है वो बजट कम है और आपकी कंपेन आप रोकना नहीं चाहते, ऑटोमेटिक रूल से करा वो आपके जो है वो बैंक बैलेंस या क्रेडिट से ऑटोमेटिकली फॉलो करता जाएगा और एड कंपेन आपकी रन करती जाएगी। इस तरीके से जो है वो ऑटोमेटिक रूल्स फॉलो किए जाते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद अच्छी लगी, तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।